सर्दियों का दिन आ गया। सर्दियों के दिन में बहुत ही अच्छी मेथी आती है। अब मेथी का नाश्ता बनाने के लिए हमने मेथी ले लिया था। अब मेथी को अच्छी तरह से धोकर उसकी डंठल अलग कर दी, बारीक काट लिया। अब पैन लेते हैं, 2 चम्मच ऑयल डालते हैं, 1 से 2 चम्मच। अब जो मेथी को काट लिया है उसे इसमें ऐड करके चलाते हुए हम पकाएंगे, जिससे इससे कड़वापन दूर हो जाएगा। ये मेथी बच्चों, ये बड़ों को, सबको पसंद आने वाला ये नाश्ता मेथी से बना हुआ। तो आप ऐसे ही चलाते हुए पकाइए। अब हम आटे की मेथी बना रहे हैं, तो 1.5 कप आटा ले लेंगे। उसमें 1 चम्मच नमक, छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च जितना खाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल लीजिए, कम या ज़्यादा। और थोड़ा गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हम डालेंगे जीरा और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। चलाते हुए इसमें जो हमने मेथी पका कर रखे हैं मेथी ऐड कर देंगे। मेथी को भी ऐसे चलाते हुए अच्छे से, फिर हाथों की सहायता से आप अच्छे से इसकी जो है मेथी है ना, तो जो बन जाती है तो अलग अलग हो जाए, अच्छी तरह से मेथी को भी इसमें ऐड कर लीजिए। ये देखिए, इसको चलाते हुए अब इसका एक स्मूथ, या फिर जैसे पूड़ी बनाते हैं ना उसी प्रकार आटा गूंथ लेना है पूड़ी वाला, और इसकी लोइयां बनाकर आप पूड़ी आकार में बेल लीजिए। अगर आपको किसी भी दूसरा शेप देना चाहते हैं तो आप ग्लास की सहायता से काट लीजिए, या फिर कोई नुकीली चीज़ जैसे होती है कटोरी वगैरह उससे कटिंग कर लीजिए, या कटर कटर हो तो, जो कुकी कटर होता है ना वही कुकीज़ वाला। पर हम आज इसका दूसरा शेप देंगे। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, कोई मेहमान आ जाए तो आप चाय के साथ दीजिए, उसे बहुत पसंद आएगा। अब हमने जो पूरी आकार की ये बेल ली है ना लोई, इसके ऊपर तेल लगाकर और थोड़ा आटा छिड़क देंगे, जिससे ये आपस में चिपके नहीं। और इसे हाथों से थोड़ा दबाते हुए थोड़ा सा बेल लेंगे, जिससे ये बहुत मोटा भी ना रहे, अच्छे से सिक भी जाए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से ऐसे बेल लेंगे, और एक कटर की सहायता या फिर चाकू से आप नाप से काट लीजिए। यकीन मानिए ये नाश्ता आपका बहुत अच्छा बनने वाला है और सबको पसंद आने वाला है। आप इसे बार बार बनाकर रख सकते हैं। ये नाश्ते को आप 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने स्टोर करके रख लीजिए और खाते रहिए, ऐसे इंजॉय करते रहिए। अब ये जो जो बाकी लोइयां हैं सब ऐसी इसी प्रकार में ऐसे काट लीजिए और इसे फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। अब फ्राई करने के लिए हम एक पैन या कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसको मीडियम फ्लेम पर हम तलते हैं। थोड़ा गर्म हो जाए इसके बाद इसे पलट देंगे, या पलट ऐसे अलग पलट करके इसे तल लेंगे। अच्छा गोल्डन हो जाए, ये क्रिस्पी हो जाए, अंदर तक बढ़िया सिक जाए। ये देखिए गोल्डन हो गया, इसका कलर चेंज होने लगा। अभी से ये कितना अच्छा दिख रहा है ना ये नाश्ता, खाने में तो और मज़ेदार है। ये देखिए रेडी हो गया मेरा नाश्ता, मैं तो जा रही सर्व करने की ओर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।